अध्याप जी माननीय सदस्यगण, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आप ये जानते हैं कि टीवी का कंट्रोल स्पीकर के पास नहीं रहता। ये टीवी का कंट्रोल एक सिस्टम है जो आपने बनाया है। आप इस छोटी बातों पर इस तरीके से गंभीर टिप्पणी करना उचित नहीं है। निशिकांत जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ। मैं अपने दल के नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप का शुक्रगुजार हूं। एक मिनट, माननीय सदस्य, आप सीनियर व्यवस्था हो, शब्द बोलते समय ढंग से बोला करो, ये तरीका ठीक नहीं है। आप क्या शब्द बोलते हो, क्या नहीं बोलते, अच्छा लगता है क्या? पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर जो है पहले वक्ता के तौर पर बोलने के लिए खड़ा किया। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। स्पीकर सर, गौरव गोगोई जब बोल रहे थे इस कांग्रेस पार्टी को शहादत के बारे में, लोगों का क्या बलिदान है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इन्होंने मणिपुर की बात की और पूरे देश को नहीं, पूरे संसद को जो है इन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग में से बहुत लोग मणिपुर नहीं गए हूं, मणिपुर नहीं देखा है आपने। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गमा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ, सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे, और जो जगमोहन जी ने अपनी किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने 10 बार जिक्र किया है कि यदि एनके तिवारी जैसे अफसर नहीं होते तो शायद कश्मीर नहीं बचा पाते। और वही एनके तिवारी जब मणिपुर में आईजी बनकर गए तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो। आपने अभी कहा कि असम में समझौता हुआ, आप तो असम के हैं, सांसद हैं। क्या 83 के चुनाव में कितने परसेंट लोगों ने असम में वोट दिया था? कितने लोग मारे गए थे? और जब आपने ऑल इंडिया असम स्टूडेंट यूनियन के साथ समझौता किया तो उस समझौते का एक पार्ट था कि ये सरकार जो है हटाई जाएगी, आपकी सरकार खत्म की जाएगी। क्या वो समझौते का पार्ट नहीं था? मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि वो समझौते का जो पूरा प्रारूप है इस सदन के अंदर जब अपना जवाब दें तो शायद वो जवाब देंगे। मिजोरम में आपने 7% वोट के आधार पर, केवल 7% वोट के आधार पर, केवल 7% पूरे देश को जानने के लिए है, लाल थनहावला की सरकार बना दी थी। और इसीलिए जब लाल डेंगा के साथ सरकार बनाई आपने, जब उनके साथ समझौता किया तो 7% के साथ आप उसको डेमोक्रेसी चलाने देते। इतिहास में जाइए, इतिहास में झांकिए, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए ही कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में यहां आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं? थे ना। इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे? कहां गए थे? किस तरह की चर्चा है?